हेलो दोस्तों, तो आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि आज की हम लोग किस वीडियो पे चर्चा करने जाएंगे, आयरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे के पूरे शेड्यूल के बारे में, मेन्यूज के बारे में, टाइमिंग के बारे में, स्क्वाड्स के बारे में, और आखिर में हम लोग किस वीडियो पे चर्चा करने जाएंगे लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में। तो मैं आप सभी से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को अब तक देखते रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, ये जो पूरी की पूरी सीरीज है ये वाइट बॉल सीरीज होने वाली है। वही बात की जाए आयरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे की, तो मैं आपको बता दूँ कि आयरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे में कुल 8 मैचेस खेले जाएंगे, जिस तरह 5 टी20 और 3 ओडीआई खेले जाएंगे। वही बात की जाए जिम्बाब्वे वर्सेस स्कॉटलैंड की, तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों के बीच कुल 3 मैच खेले जाएंगे, जिस तरह तीनों की तीनों टी20 है। और मैं आप सभी लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं स्कॉटलैंड की स्क्वाड नहीं बताऊँगा। इसके दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि स्कॉटलैंड की अराउंड हुई है स्क्वाड। वही बात की जाए दूसरे कारण की, तो मैं आपको बता दूं कि दूसरा कारण है कि अगर स्कॉटलैंड की अराउंड हो जाती है स्क्वाड, तो आपको बताना चलता है कि कौन सा प्लेयर क्या है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से वीडियो को शुरू कर देना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जिम्बाब्वे जा रही है आयरलैंड और स्कॉटलैंड वाली जगह पे, ना कि आयरलैंड और स्कॉटलैंड आएगी जिम्बाब्वे। और दोस्तों, ये मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप कभी कभी ये सोच लेते हो कि जिम्बाब्वे नहीं जाएगी बल्कि वो दोनों आएगी जिम्बाब्वे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं शेड्यूल के बारे में। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आयरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे इन दोनों के बीच पहले टी20 सीरीज के लिए जा रही है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टी20 सीरीज के बारे में ही। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो पहला टी20 खेला जाने वाला है वो खेला जाने वाला है 27 अगस्त को, वही जो दूसरा टी20 खेला जाने वाला है वो खेला जाने वाला है 29 अगस्त को, वही जब तीसरा टी20 खेला जाने वाला है वो खेला जाने वाला है 1 सितंबर को, यानी सितंबर के शुरू में ही। वही बात की जो चौथे टी20 की, तो मैं आपको बता दूँ कि चौथा टी20 खेला जाने वाला है 2 सितंबर को। वही बात की जाए पाँचवें और अंतिम टी20 की, तो मैं आपको बता दूं कि पाँचवा और अंतिम टी20 खेला जाने वाला है 4 सितंबर को। तो दोस्तों, ये तो बात के लिए अपने जिम्बाब्वे वर्सेस आयरलैंड के पूरे टी20 सीरीज के बारे में। वही ओडीआई सीरीज के शेड्यूल की बात करें तो वो कुछ ऐसा है कि पहला ओडीआई खेला जाने वाला है जिम्बाब्वे वर्सेस आयरलैंड के बीच कुल 8 सितंबर से, वही दूसरा ओडीआई खेला जाने वाला है जिम्बाब्वे वर्सेस आयरलैंड के बीच कुल 10 सितंबर से, वही तीसरा और अंतिम ओडीआई खेला जाने वाला है 13 सितंबर को इन दोनों के बीच। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिम्बाब्वे वर्सेस आयरलैंड की आखिरी सीरीज होने वाली है, उसके बाद जिम्बाब्वे चली जाएगी राइट स्कॉटलैंड। और मैं आपको बता दूं कि स्कॉटलैंड भी इनके साथ कुछ ऐसा शेड्यूल होगा कि पहले टी20 खेला जाने वाला है 15 सितंबर को जिम्बाब्वे वर्सेस स्कॉटलैंड के बीच, वही दूसरा टी20 खेला जाने वाला है 17 सितंबर को जिम्बाब्वे वर्सेस स्कॉटलैंड के बीच। वही मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि तीसरा और अंतिम टी20 खेला जाने वाला है 19 सितंबर को। तो ये तो बात कर ली हमने जिम्बाब्वे वर्सेस आयरलैंड और स्कॉटलैंड इन दोनों के पूरे शेड्यूल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में वेन्यूज के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे जिम्बाब्वे वर्सेस आयरलैंड के वेन्यूज के बारे में। तो मैं आप सभी को बता दूं कि पहला और दूसरा टी20 ये दोनों टी20 खेले जाने वाले हैं कोटा क्रिकेट ग्राउंड में, जो कि आयरलैंड में स्थित है। वही उसके बाद की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि तीसरा, चौथा और पांचवा टी20 खेला जाने वाला है बिडिकिन के ग्राउंड में, जो कि आयरलैंड में है। वही मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि तीनों के तीनों ओडीआई, पहला दूसरा और तीसरा ओडीआई खेला जाने वाला है इस बोर्ड वाले ग्राउंड में, जो कि आयरलैंड में स्थित है।
वही बात की जैसी भावे वो स्कोरलाइट की दौड़े। आप सभी लोगों को बता दूं कि तीनों के तीनों टी ट्वेंटी एक ही जगह में खेलने जाने वाले हैं, और जगह का नाम है क्रिकेट क्लब। और मैं आपको बता दूं कि ये स्कोरलाइट में स्थित है। तो ये तो बात कर ली हमने वेन्यूज के बारे में। वही बात की जाए टाइमिंग के बारे में, तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि सिम्बाब्वे वर्सेस आयरलैंड इन दोनों के बीच पहला और दूसरा टी ट्वेंटी खेला जाने वाला है 4:30 बजे, वो भी दोपहर के इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में। यानी इंडिया में ये पहला और दूसरा टी ट्वेंटी 4:30 बजे खेले जाने वाला है। वही तीसरा चौथा और पाँचवा टी ट्वेंटी खेले जाने वाला है इंडिया में 7:30 बजे से। वही मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि पहला दूसरा और तीसरा ओडे खेले जाने वाला है इंडिया में 3 बजे से। तो दोस्तों जो तो बात कर लिया सिम्बाब्वे वर्सेस आयरलैंड की टाइमिंग के बारे में। वही बात की जाए सिम्बाब्वे वर्सेस आयरलैंड की टाइमिंग की, तो मैं आपको बता दूँ कि पहला दूसरा तीसरा और टी ट्वेंटी ये तीनों की टी ट्वेंटी एक ही टाइमिंग में खेले जाने वाले हैं, और वो टाइमिंग के 8:30 बजे, वो भी इंडिया में। तो ये तो बात कर ली हमने पूरे के पूरे टाइमिंग के बारे में। वही बात की जाए स्क्वाड्स की, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आयरलैंड की स्क्वाड के बारे में, वो भी टी ट्वेंटी स्क्वाड। तो आयरलैंड की टी ट्वेंटी स्क्वाड कुछ ऐसी है, पहले नंबर पर एंड बेल्बी, जो कि वह मैच के लिए कैप्टनसी के दूरी से आने वाले हैं। वही दूसरे नंबर पर मार्क अडायर, वही तीसरे नंबर पर कर्टिस कैंपर, वही चौथे नंबर पर जोस टॉगलेर, वही पांचवें नंबर पर शेन कैटकेट, वही छठे नंबर पर जोस रिडी, सातवें नंबर पर पैरी एब्सिकाटी, आठवें नंबर पर विलियम एब्सी क्लिटॉक, नौवें नंबर पर केविन ओपायर, दसवें नंबर पर लिन रॉक, ग्यारहवें नंबर पर सीवी सिंह, बारहवें नंबर पर पॉल स्टीलिंग, तेरहवें नंबर पर हैरी टेक्टर, चौदहवें नंबर पर लोगन टकर, बारहवें नंबर पर बेन वाइट। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि 16वें और आखिरी नंबर पर गैग यंग। तो दोस्तों जी तो बात कर लिया हमने पूरे के पूरी आयरलैंड की स्क्वाड के बारे में, और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ ओडीआई स्क्वाड थी, अभी टी ट्वेंटी स्क्वाड बाकी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आयरलैंड की पूरी की पूरी टी ट्वेंटी स्क्वाड। तो जैसे कि सॉरी दोस्तों यानी ओडीआई स्क्वाड, तो जैसे कि आप सभी लोग आयरलैंड की ओडीआई स्क्वाड अपनी स्क्रीन पर साफ साफ देख पा रहे होंगे। तो आयरलैंड की ओडीआई स्क्वाड कुछ ऐसी है, पहले नंबर पर एडम बेल्बी, जो कि हमें मैच के लिए कैप्टनसी करते हुए नजर आने वाले हैं। वही दूसरे नंबर पर मार्क अडायर, वही मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि तीसरे नंबर पर कर्टिस कैंपर, वही चौथे नंबर पर जोस टॉगलेर, वही मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि पाँचवें नंबर पर ग्राहम कैडी, वही छठे नंबर पर जोस रिडेल, वही मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि सातवें नंबर पर एडी एब्सी ब्रायन, वही आठवें नंबर पर पैरी एब्सी कार्टी, नौवें नंबर पर विलियम बॉलफील्ड, वही मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि दसवें नंबर पर नीरो, वही ग्यारहवें नंबर पर सीबी सिंह, वही बारहवें नंबर पर पॉल स्टीलिंग, वही तेरहवें नंबर पर हैरी टेक्टर, वही चौदहवें नंबर पर लोगन टकर, और वही पंद्रहवें और आखिरी नंबर पर केक यंग। तो दोस्तों जी तो बात कर लिया हमने पूरे के पूरी आयरलैंड की स्क्वाड के बारे में, और हमने टी ट्वेंटी और ओडीआई दोनों ही स्क्वाड के बारे में बात कर चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सिम्बाब्वे की स्क्वाड के बारे में। लेकिन उससे मैं पहले मैं आप सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो ये सिम्बाब्वे की स्क्वाड है, ये टी ट्वेंटी ओडीआई दोनों में चलेगी आयरलैंड के डो में, और वही ये स्क्वाड डो के लिए भी यही स्क्वाड चलेगी। तो चलिए देखते हैं ये स्क्वाड। तो पहले नंबर पर रिया बल, वही दूसरे नंबर पर रकी चिकाफा, वही तीसरे नंबर पर चटई चतारा, वही चौथे नंबर पर ग्रेग एलविन, वही पाँचवें नंबर पर लुक चोंग, वही छठे नंबर पर तेरेसा कर्बूट। दोस्तों ये रब बहुत हार्ड सा है, आपको समझ में आ रहा ये आप हमें कमेंट करके जरूर बता रहा। वही सातवें नंबर पर वैसे बातें, वही आठवें नंबर पर डैडी वास्ते मारो मारी, वही नौवें नंबर पर वेलिटा बसकंडा, वही दसवें नंबर पर दहसा बसकंडा, वही ग्यारहवें नंबर पर ब्लेसिंग ब्रूसा मारी, वही पंद्रहवें नंबर पर डेव वायस, वही तेरहवें नंबर पर रिजन अकामा, वही चौदहवें नंबर पर सिकंदर रासा, वही पंद्रहवें नंबर पर बिल्डर सुरमा, वही सोलहवें नंबर पर बैंडन टेलर, वही सत्रहवें नंबर पर सी विलियर्स, वही अठारहवें नंबर पर डोनाल्ड टेरिबारो। तो जी तो बात कर ले अपने स्क्वाड के पूरे सिम्बाब्वे के बारे में, वो भी 8 सदस्य से। तो अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको एक बार कैश करने के लिए देता हूँ कि ये किस में लाइव स्ट्रीम होने वाली है।
जिसमें दोस्तों 300 चल रहा है अभी भी। और मैं आपको बता दूं वैसे कि आज 300 का फाइनल है वो उस पे जिम्बाब्वे के वेस्ट इंडीज के मैचेस भी उसमें हो रहे हैं। अभी वेस्ट इंडीज वैसे पाकिस्तान भी उसमें चल रहा है मेरे हिसाब से। अब देख तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन सी चीज में खेलना चाहने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि ये मैच मोबाइल में उपलब्ध टीवी में रही है। अब तो आपको पक्का समझ में आ गया होगा कि ये मैच किस पे खेला जाने वाला है। तो अगर नहीं तो मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये मैच खेला जाने वाला है फैकोट ऐप पे। आपको फैकोट ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा तभी आप इस मैच को लुक उठा पाओगे। और उसमें आप ये सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो 400-500 के बीच में। और दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इस वक्त तो आपको फायदा भी है उसको लेने में, क्योंकि मैच इतने सही समय पे है कि आप उसको आराम से देख भी पाओगे। इस कारण आप फैकोट ऐप का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और मैं आप सभी लोगों को पहले ही ये बता देना चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर कोई भी टॉप 50 रिकॉर्ड्स वाली वीडियो नहीं बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि इसके ऊपर मैं नहीं कोई हेड टू हेड पिच पैदा और प्ले के अलावा ऐसी वीडियो में नहीं बनाने वाला, क्योंकि ये तीनों की तीनों टीम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती इस कारण। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे डायरेक्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए क्योंकि उसके बाद जो वीडियो हारने वाली है वो बिल्कुल ऐसी शेड्यूल में स्ट्रीमिंग सोर्स लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर होगी। और वो वीडियो होगी दूसरे वजह बांग्लादेश के शेड्यूल के ऊपर। तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, वो अभी आ जाएगी। तो चलिए अब मिलेंगे थोड़ी देर में।